मस्ती की पाठशाला में हूँ आपकी दोस्त उपासना बख्शी। दोस्तों मस्ती की पाठशाला में आज हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा के यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पढ़ाए जाते हैं तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज। अब भाई स्टूडेंट स्टूडियस हैं, लेकिन क्या करते हैं वो मस्ती, ये जानने चलिए चलते हैं कैंपस के अंदर स्टूडेंट से खुद जानते हैं क्यों ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। चलिए प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं, संभाल लो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं। उनको लगता है किसी भी पहचाना, इस बार उनको कराके है दिखाना। या फिर स्लीव्स फोल्ड करके जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगा। दम लगा दम लगा लगा रे लगा रे दम लगा दम लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पढ़ाए जाते हैं तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज, MBA हो, BTech हो, और ऐसे में हमने सोचा कि आज हम इन्हीं प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं और बात करते हैं कि भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं। और साथ ही साथ हमने सोचा कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक ग्राउंड से, बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ किस किस तरह की मस्ती कर सकते हो ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर सबसे बड़ी मस्ती होती है एक दूसरे की खिंचाई। हम यहाँ बैठ के सबसे बड़े यही काम करते हैं। किस तरह की खिंचाई कर सकते हो, आज क्या करते हो कि भाई सामने वाले को छेड़ा कि यार आज तो अच्छा नहीं लग रहा, आज तो बुरा लग रहा है, आज लड़की बहुत अच्छी लग रही है। सबसे पहले तो ग्राउंड में लड़कियों के बीच बैठ जाओ, ठीक है, और एक लड़की को सेलेक्ट करो और उसके बारे में बात करो कि कैसी लग रही है। इतना ऑनेस्ट आंसर सुन के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन लोगों के बीच में इतनी मस्ती करवाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम होता है। लड़कियों के पास जाएंगे और बात करेंगे कि भाई लड़कियों को ग्राउंड में, जैसे उन्होंने तो कहा कि उनके पास तो मौका होता है लड़कियों की गॉसिप करने का, लड़कियों के पास क्या मौका होता है क्या करने का? आई मेनली कंसर्न ऑन देयर स्टडीज, देयर टैलेंट, नथिंग एल्स। सुन लिया लड़कों, लड़कियां ओनली कंसर्न्ड ऑन देयर एजुकेशन, लड़के किस चीज में कंसर्न्ड रहते हैं? देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं किसी अगर लड़के को देखता हूँ, किसी लड़की को देखता हूँ, किसी फैकल्टी को देखता हूँ तो मैं कविता उन पे बना डालता हूँ कि जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं। जिधर देखता हूँ गधे और गधे हैं। ऑफिस में बैठे रुपयों से लदे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। अगर ऐसी ऐसी प्यारी पोएम सुनने के बाद क्या मन कर रहा है कि क्या करूँ? मन कर रहा है मैं भी एक पोएम बना दूँ, पर मैं बना नहीं सकती, दुख ये हो रहा है। ढोलक किस लिए है मैडम, क्या करने वाली है इससे आप? मैम ढोलक प्ले करने वाली हूँ। और रियली आपको ढोलक बजानी आती है? मैम आई लव टू प्ले कॉन्गो बोंगो एंड ऑल, बट टुडे आई हैव ढोलक। मल्टी टैलेंटेड? यस मैम। तो इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी का एक रूप हमें दिखा दीजिए, कम ऑन।
सुनने के बाद यकीनन आपके पैर भी थिरकने लगे होंगे, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है डांस करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाठशाला सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, छम्मक छल्लो, इन सब चीज़ों में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन थी? जितने भी डांसर सबसे कॉमन थी उनका मस्त ठुमका। और ये जो एक्सप्रेशन से आपने हमें बताया है, क्या आप उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ हमें ठुमका दिखा भी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए क्या बात है, तो जरा एक बार खड़े हो जाइए। In the history of masti ki paathshala, now we have a male who wants to show his thumkas on the famous item song Munni Badnaam Hui. Come on. देखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं हंसूं या मैं एकदम अपने लिप सील करके बैठ जाऊं, लेकिन मज़ा आया। हाँ बहुत मज़ा आया। अच्छा ये बताओ कि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसके बाद लड़कियों के अंदर तो खास तौर पर कहीं एक डर सा बैठ गया था अपनी सेफ्टी को लेकर, तो ऐसे में जब मैं आपके कॉलेज आई तो मुझे यहाँ पता चला कि आपने जो गैंग रेप हुआ है उसके ऊपर यू रिटन अ पोएम, सो वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप उस पोएम को हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी भी जरिए से ही सही लेकिन एक मैसेज जो है वो सोसाइटी तक पहुँच सके। तो आज क्योंकि हम आपके कॉलेज में आए हैं तो वी वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप उस पोएम को हमारे दर्शकों को सुना सके। मैम जब रेप केस हुआ था तो सबको दुख हुआ था, पर उससे ज़्यादा दुख अब होता है क्योंकि कैंडल्स जली, कैंडल्स ख़त्म हो गई, मामला भी ख़त्म हो गया, सब कुछ शांत हो चुका है। पता नहीं लोगों को याद भी था कि नहीं कि कुछ हुआ था पहले जो बहुत बहुत बुरा था। तो एक पोएम है। वाइल वॉकिंग अलोन ऑन स्ट्रीट्स लास्ट नाइट आई हर्ड अ व्हिसल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड, टेरर कवर्ड माई बॉडी एट वंस, proud of being a girl went curse. I heard some footsteps coming to me. I found a brave girl weeping on knees. My beats went faster and pace suddenly roar. All alone the street I roar. Beautiful poem. सच में बहुत ही अच्छी poem थी और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले, और मस्ती की पाठशाला के मंच में इन्होंने इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई। लेकिन अब क्योंकि बात हो रही है मस्ती की पाठशाला की, तो दोस्तों मस्ती करना तो बनता ही बनता है, और आने वाले सेगमेंट में भी हम खूब सारी मौज मस्ती कराने वाले हैं। लेकिन अभी समय हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं कॉलेज के एक और टैलेंटेड स्टूडेंट के गाने के साथ, जो वो गाना किसको डेडिकेट करेंगे? यहाँ पूरे कॉलेज को, पूरे कॉलेज को डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद भी मस्ती का दौर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मस्ती की पाठशाला। कम ऑन। दूर जितना भी तू मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो।
जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। पाठशाला में यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा के अब हम क्लास में आ गए हैं। भाई बीटेक के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। बीटेक यानी कैसा कोर्स जहां पर बच्चे लेते हैं दाखिला इंजीनियर बनने के सपने से और साथ ही साथ उन्हें उम्मीद होती है कि भाई अब ये जो चार साल है यहाँ पे होनी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, आज के स्टूडेंट को बस मौका चाहिए बाहर निकलकर एंजॉय करने का स्कूल की डिसिप्लिन लाइफ से। और ऐसे में अब क्योंकि हम आ गए हैं इनकी क्लास में, तो जो इनकी क्लास चल रही थी ना फिलहाल, हमने वहाँ की मैम को तो कर दिया टाटा बाय बाय, और खुद इस क्लास में आकर अब हम करने वाले हैं इन स्टूडेंट्स के साथ मस्ती की पाठशाला। सो गाइस चलिए, अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी कॉलेज हो और कोई भी क्लास हो, वहाँ जो फ्रंट लाइन होती है वहाँ बैठते हैं क्लास के सबसे ज़्यादा स्टूडियस बच्चे, और जो सबसे ज़्यादा वो मस्ती वाले बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। क्या इस क्लास में भी कुछ ऐसा ही है? यस मैम। वाओ, इनका कॉन्फिडेंस देखिए, कितने खुश है ये बताते हुए कि भैया हम तो पढ़ाई नहीं करते, हम तो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं। लड़कियों बताओ, एक फैशन करते हैं कॉलेज में, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो क्या फैशन करते होंगे यार? यस मैम, इट्स वेरी बैड, यू नो, यूनिफॉर्म इज जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द पीपल हु आर रिच हु आर पुअर, एंड आई डोंट थिंक दैट आई जस्ट लव योर एक्सप्रेशंस। क्या एक्सप्रेशंस दिए आपने, जो परेशानी है ना आपकी इतनी अच्छे से दिख रही है। लेकिन ये जो आपने फ्लिक्स कटवाए हैं, ये क्या उसी फैशन की वजह से कटवाए हैं? नो मैम, आई लव दीस। क्या बात, आप बताइए फैशन कैसे करते हो, यूनिफॉर्म में कैसे फैशन किया जा सकता है? अच्छे से बाल बनाकर या फिर काजल या फिर स्लीव्स फोल्ड करके? स्लीव्स फोल्ड करके, स्कूल में भी हम यही करते थे। आपको नहीं लगता कि स्कूल में भी यही टाइम होता था, स्कर्ट ऊपर स्लीव ऊपर और बन गए हम फैशनेबल? मैम, जो भी फैशनेबल होता है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे कोई सी भी ड्रेस हो, उसमें अपना फैशन शो कर सकता है। आई थिंक इट इज, ओ माय गॉड, मतलब बस भाई फैशन शो करने का तरीका आना चाहिए। तो ऐसे में लड़कों से हम बात करेंगे कि जब लड़कियां ऐसी हॉट हॉट बन के आने की कोशिश करती तो नहीं बन पाती, लड़कों को फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। थोड़ी सी जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगता है। और ऐसे में कौन सा गाना है जो इस तरह की सिचुएशन में लड़कियों को डेडिकेट किया जा सकता है? धक धक करने लगा। भाई ये यही तो बात है कि मुझे मस्ती की पाठशाला प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा है ना भाई, वो इस तरह निकलता है कि देखते ही बनता है। लेकिन इस कॉलेज में लड़कियों के काफ़ी टैलेंट है, और वो टैलेंट क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ की कुछ लड़कियाँ दिखाना चाहती हैं अपना टैलेंट, तो ऐसे में हम आपको देते हैं ये मौका, और साथ ही साथ तैयार है हमारी मस्ती की पाठशाला का मंच। ना कोई समय, और दिखा दिया यहाँ की लड़कियों ने कि मौका मिला टैलेंट दिखाने का, तो ये एक्चुअल में है टैलेंट में आगे।
भाई बात हो रही है स्टूडेंट से कि प्रोफेशनल कोर्स में क्या मस्ती कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कोर्सेज अगर मुश्किल भी हों तो किस तरह छोटे छोटे टाइम में आप निकाल कर मस्ती कर सकते हो? कभी क्लास में गॉसिप कर ली, कभी कहीं बंक करके भाग कर। आई गेस बेस्ट होता है बंक करके भागने में, क्योंकि उसके बाद थोड़ी टीचर्स को भी जेलसी फील होती है, बुरा फील होता है, जो हम लोग को अच्छा लगता है इन अ वे, क्योंकि हम लोग बहुत क्लस्टर्ड फील करते हैं आजकल का जो ये एजुकेशनल पैटर्न चल रहा है। तो आई थिंक बेस्ट इज बंक, एंड आफ्टर दैट ऑन टॉप ऑफ दैट बीइंग इन कॉलेज एंड बंकिंग द क्लासेस, दैट इज द बेस्ट। प्लस यू नो स्कूल में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तो भाई मम्मी पापा ओके मम्मी पापा बाय बाय हम आपका नाम रोशन करेंगे, और वापस आके हाय फ्रेंड्स अब हम मस्ती करेंगे। होता है ऑब्वियसली। कितने खुश हो रहे हैं आप भाई। ये थोड़े से ऑड बने क्योंकि इन्होंने ब्लू यूनिफॉर्म की जगह ग्रे स्मार्ट सी जैकेट पहनी है, लगता है कि आज कहीं घूमने का इरादा है। घूम के आ रहे हैं। चलिए इन्हें हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हमने इन्हें पकड़ ही लिया है तो इनसे कुछ करवाया जाए। क्या करवाया जाए इनसे, हमने टारगेट जो कर लिया है? आई थिंक गाना। गाना मैं तेरी आंखों में रहता हूं तुझे पता न चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, कोई ऐसी खता न करे, करे तो भी क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए बोलो कहाँ कहाँ फिरे, किस जिनी पास बुलाना, कि दिल आज टूटा है, आज टूटा है सजन मान ना। हम यहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं, अगर हम आपसे बोलें कि अगर आप अपनी दोस्ती को, अपने कॉलेज को एक गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना डेडिकेट करोगे? यारो जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि कोर्स कोई भी हो बस मौका आपको मिलेगा मस्ती करने का। क्यों होता है कॉलेज असली मस्ती की पाठशाला? दोस्तों मस्ती का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी समय हुआ एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मस्ती करने का भी मौका मिलता है या नहीं? संभालो मुझको मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, क्रीम और पाउडर से लदे और सजे हैं। स्लीव्स फोल्ड करके जहाँ थोड़ी सी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और सॉक्स नीचे हो जाते हैं, फिर बहुत फर्क पड़ने लगा। दम लगा लगा रे धक्का रे, दम लगा दम लगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। दोस्तों हमने ना इन स्टूडेंट्स के अंदर जितना हिडन टैलेंट था उसे इतना ज़्यादा बाहर तो दिखा दिया, लेकिन हमने अब तक कुछ ऐसा नहीं कराया है जिसकी वजह से हमें पता चले कि यहाँ के लड़कों में ज़्यादा दम है कि लड़कियों में। बताओ ज़रा, लड़कियाँ ज़्यादा तेज़ हैं कि लड़के? लड़कियाँ ऑब्वियसली। क्यों क्यों, वाई ऑब्वियसली? लड़कों में क्या चीज़ अच्छी नहीं है? लड़कियाँ लड़के क्या दिमाग नहीं है मैम? तो लड़के लड़कियों के लिए कहते हैं कि उनका दिमाग घुटनों में होता है। No, मैं उल्टा है, उल्टा है। They are jealous, actually. Okay. So the... They are superior.
बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर जेलस ऑफ द गर्ल्स, लेकिन अब जब बात हो रही है गर्ल्स और बॉयज की, तो चलिए इनके बीच में करा देते हैं टग ऑफ वॉर कॉम्पिटिशन देखने के लिए कि भाई किस में कितना है गम. गम दम है मैम, हम में फुल टू. चलिए देखने के लिए किस में कितना है दम. कम ऑन गर्ल्स, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का. ओ गॉड, ये तो एक ही सेकंड में पूरा गेम ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चलिए क्योंकि अब स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरह मस्ती के मूड में आ गए हैं, तो लड़के लड़की ना सही, लड़के और लड़कों के बीच में ही टग ऑफ वॉर करा देते हैं. तो गाइस, आर यू रेडी? टीम ए एंड टीम बी, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का रे, दम लगा, दम लगा, लगा रे धक्का. उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे आज के एपिसोड को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने पर्सनली किया है. आज के एपिसोड में बस इतना ही. अगले हफ्ते एक नए कॉलेज, एक नए इंस्टीट्यूट के साथ हम वापस आएंगे और वहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे कि उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला. बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक.